हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है पत्ता गोभी की सब्जी। दोस्तों, यह सब्जी बहुत ही कम समय में ही पक जाती है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, मीडियम साइज की पत्ता गोभी। इसे हमने काट के धो लिया है अच्छे से। और एक बैंगन चाहिए। इसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं बैंगन को। हल्दी, स्वाद अनुसार नमक लेंगे और सरसों का बीज लेंगे। दो टमाटर लिए हैं, इसे हमने पीस लिया है। जीरा लेंगे। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद इसमें तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे 3 चम्मच तेल डालूंगी। आप अगर ज़्यादा तेल पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा को अच्छी तरह से पकने देंगे। जीरा जब चटक के ब्राउन कलर का हो जाए उसके बाद इसमें पत्ता गोभी और बैंगन को डाल देंगे। पत्ता गोभी को डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर टमाटर का पेस्ट को डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। पत्ता गोभी को और अच्छे से पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। पत्ता गोभी की इजी, फास्ट और सिंपल रेसिपी बनकर तैयार है दोस्तों। अगर आप इसी तरह की और भी टेस्टी रेसिपी देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। वहां पर मैंने लिंक दिए हैं दोस्तों। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।